अगर आपका कोई दुश्मन, आपका कोई शत्रु आपको बर्बाद करना चाहता है, आपको तबाह करना चाहता है, तब आप शत्रु विनाशक देवी माता मसानी मेल्डी जी की शरण में आने के बाद इस टोटके की विधि को अपनाकर आप अपने दुश्मन के ऊपर पलटवार करें, तो जिससे आपका जो दुश्मन है, आपका जो शत्रु है, वह पूर्ण रूप से तबाह होगा। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज यह जो टोटका, यह जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, शत्रु विनाशक देवी माता मसानी मेल्डी जी का, अगर आप अपने दुश्मनों, अपने शत्रुओं से अगर आप परेशान हो चुके हैं, अगर आपका कोई दुश्मन, आपका कोई शत्रु आपको बिना वजह से परेशान कर रहा है, कोई भी तंत्र की विद्या अगर आपके ऊपर बार बार अगर वह लगा रहा है, और आप बहुत से उपाय टोटके अनुष्ठान कर चुके हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप माता मसानी मेल्डी जी की शरण में आए और इस सरल से टोटके की विधि को अपना कर देखें। जब आप इस टोटके की विधि को अपनाएंगे तो जो आपका दुश्मन है, जो भी आपका शत्रु है, उसके ऊपर माता मसानी मेल्डी जी की जो विद्या है, तांत्रिक जो प्रयोग है, उसके ऊपर पलटवार करेगा, और जो भी कोई नेगेटिविटी, जो भी कोई बुरी शक्ति आपके ऊपर लगाई होगी तो वह आपके दुश्मन के ऊपर जाकर लग जाएगी। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो माता मसानी मेल्डी है, जे भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए इस देवी का आगमन हुआ है, अपने भक्तों की पूर्ण रूप से रक्षा करती है, शमशान की देवी माता मसानी मेल्डी, मैली विद्या की देवी, क्योंकि अघोर विद्या में, तांत्रिक विद्या में इस देवी का प्रयोग किया जाता है इल्म के द्वारा। तो यह आपके दुश्मनों को, आपके शत्रुओं को माटी में मिला देती है। जो भी माता मसानी मेल्डी के मंत्रों का जाप करता है, या इसके अनुष्ठान करता है, इसके टोटके की विधि को सही विधि के अनुसार जो भी साधक अपनाता है, जैसे माता बगलामुखी दुष्टों का संहार करती है, माता रानी के हम हवन यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं दुष्टों का संहार करने के लिए और खुद की रक्षा करने के लिए, तो इस छोटे से टोटके के द्वारा आप अपने दुश्मनों के ऊपर जो भी कोई तांत्रिक विद्या, जो भी कोई बुरी शक्ति आपके घर परिवार के ऊपर है, आपके शरीर के ऊपर है, तो तुरंत हर बंधन को काट देगी माता मसानी मेल्डी की जे विद्या, जे प्रयोग। तो इसके लिए आपको बिल्कुल सरल विधि के अनुसार इस टोटके की विधि को अपनाना है, और यह जो टोटका है आपने, इसके कुछ दिन हैं, जैसे आप शनिवार वाले रात्रि के समय, शनिवार वाले दिन आप इस टोटके की विधि को अपना सकते हैं, केवल एक बार, एक शनिवार को अपनाएं, या फिर इसके अलावा अमावस की काली रात को आप इस टोटके की विधि को अपना सकते हैं, पूर्णमासी को, पूर्णमासी वाले दिन आप इस टोटके की विधि को अपना सकते हैं, उस दिन जो दिन होगा, दिन कोई भी हो सकता है, तो या फिर आप किसी भी शनिवार को इस टोटके की विधि को जब अपनाएंगे तो एक दिन में आपको माता रानी रिजल्ट दिखाएगी, आपका जो दुश्मन है, आपका जो शत्रु है, पराजित होगा, आपकी शरण में आएगा, उसकी तबाही शुरू कर देगा। माता मसानी मेल्डी का जो जो टोटका है, मसानी मेल्डी जी की शक्ति के द्वारा, देवी माता की शक्ति के द्वारा। तो इसके लिए जिस सामग्री की आपको जरूरत पड़ेगी,
एक तो गोबर के कंडे, गोबर के उपले की आग, अंगियारी आग आपने तैयार कर कर रखनी है इस टोटके की विधि को अपनाने के लिए। उसके बाद एक आपने साबुत नींबू लेना है, एक साबुत नींबू लेना है और एक चुटकी आपने लेनी है नमक की, सफेद नमक की एक चुटकी ले लें। और इस नींबू के ऊपर जो भी आपका दुश्मन है, जो भी आपका शत्रु है, उसका आपने नाम लिखना है, जो भी आपको बिना वजह से परेशान कर रहा है। नींबू के ऊपर आप रेड या फिर ब्लैक मार्कर के द्वारा आप नाम लिखते हैं। उसके बाद वह जो अग्नि है, गोबर के कंडे, गोबर के उपले की जो अंगियारी है, उसके ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दें। माता मसानी मेल्डी जी से बेनती करें कि हे शत्रु विनाश देवी माता मसानी मेल्डी, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें और हमारे दुष्टों का पूर्ण रूप से आप संहार करें। उसके बाद एक नींबू और एक चुटकी जो नमक की है, किसी कटोरी में उसको आप डाल लें, उस कटोरी को पूरे घर में लेकर घूम जाएं, सभी के ऊपर से घुमाएं, जितने घर में व्यक्ति हैं साथ साथ बार उल्टा एंटी क्लॉक वाइज, क्योंकि जो भी कोई नेगेटिविटी होगी घर में या आपके शरीर के ऊपर, तो वह भी दूर होगी इस टोटके के द्वारा। और उसके बाद जो वह नींबू है जिसके ऊपर आपने अपने दुश्मन, अपने शत्रु का नाम लिखा है, तो उसके बाद उसको किसी कटार के द्वारा, चक्कू के द्वारा आपने उसको काट देना है चार भागों में, चारों भाग अलग अलग नहीं होने चाहिए। उसमें एक चुटकी आपने नमक की डाल देनी है। उसके बाद सरसों का तेल उस अग्नि में डालें, अग्नि में सरसों का तेल डालने के बाद फिर अग्नि चेतन करते हैं किसी तिल्ली के द्वारा, फिर अपने दुश्मन, अपने शत्रु को अपनी आंखों में बसाने के बाद, अगर अनेक हैं तो सभी का नाम ले लें आप जब इस नींबू को जलाएंगे, तो उसके बाद सभी का नाम लेकर माता मसानी मेल्डी जी का ध्यान धरते हुए उस नींबू को आपने इस अग्नि में जला देना है नाम के साथ। और देखो नमक उसमें जो चारों भाग हैं आपने उसमें लगा देना है, उस नमक की चुटकी को, उसके बाद इस अग्नि में जला देना है और बाद में सरसों का तेल फिर से भी उसमें आप डालते रहें, अच्छी तरह से वो नींबू है जो जल जाना चाहिए, क्योंकि शमशान मसान की देवी है माता मसानी मेल्डी, अगर नींबू नहीं जलेगा तब ये जो टोटका है इसकी बुद्धिविधि संपूर्ण नहीं होगी। नींबू को पूर्ण रूप से जलाना है और नींबू जलाने के बाद जब वह अग्नि शांत हो जाए तो उसके बाद उसको घर से बाहर कहीं भी आपने फेंक देना है, किसी चौराहे में या घर के बाहर किसी रास्ते में, तो जैसे जैसे उस राह के ऊपर से लोग अपने जूतों के द्वारा उसके ऊपर से गुजरेंगे तो आपका जो शत्रु है उसकी तबाही शुरू हो जाएगी। इस टोटके का जो संपन्न है, जो संपूर्ण है, जब इसकी राह को आप बाहर गिराएंगे तभी इसकी जो शक्ति है कार्य करना शुरू कर देगी, किसी भी रास्ते में इसको आप फेंक सकते हैं और इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो आपके दुश्मन होंगे, जो भी आपके शत्रु होंगे, जो आपको बिना वजह से परेशान कर रहे होंगे, वही परेशानी उनके घर में शुरू हो जाएगी, आपके दुश्मन के ऊपर पलटवार करेगी शमशान की देवी माता मसानी मेल्डी। तो शत्रु विनाश के जो टोटका है इसकी विधि को अपना कर देखें, एक दिन में ही आपको ये रिजल्ट देगा। वैसे साधना और समाधान चैनल के ऊपर बहुत माता मसानी मेल्डी जी की तंत्र की विद्या का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं, शत्रु विनाश आप कैसे कर सकते हैं, इसकी मंत्रों की जानकारी काफ़ी
हमने पहले भी डाली हुई है, आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर कोई मंत्र का प्रयोग करना चाहता है या कोई सेही के कांटे का प्रयोग करना चाहता है, किसी तावीज यंत्र का प्रयोग करना चाहता है, हवन सामग्री धुनि का प्रयोग करना चाहता है, लेकिन इस टोटके से भी आपके दुश्मन की तबाही पूर्ण रूप से होगी। तो अगर वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें, साधनों समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। अब तक जय माँ काली, जय बाबा भैर बना। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं, गुरु जी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन मन चाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरु जी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।